अक्सर कोई ना कोई ग्रहण लगता रहता है जिसका सीधा असर लोगों की जिंदगी पर पड़ता है, तो वहीं लोग भी इसका खास ख्याल रखते हैं कि कब ये काल या फिर ग्रहण लगने वाला है और उसी के अनुसार काम करते हैं। वैसे तो चंद्र ग्रहण आज देर रात लगने वाला है, लेकिन भारत के लोगों के मन भी ये सवाल अभी से ही उठ रहे हैं। वजह यह है कि ग्रहण सूर्य का हो या फिर चंद्रमा का, लोग उसके शानदार नजारे को अपनी आंखों से देखना चाहते हैं, ऐसे पल का गवाह बनना चाहते हैं जब इस तरह की कोई बड़ी खगोलीय प्राकृतिक घटनाएं हो रही हो। वैसे भी ये तो इस साल का आखिरी चंद्र ग्रहण है, इसलिए लोगों का उत्साह इस बारे में कुछ ज्यादा ही है। लोग चाहते हैं कि वे इस नजारे को लाइव अपनी आंखों से देख सके। अगर इस चंद्र ग्रहण को लाइव देखना चाहते हैं तो क्या किया जाए, कहां से देखा जा सकता है और कैसे इस चंद्र ग्रहण को लाइव देख सकते हैं, तो चलिए बात करते हैं आज के ग्रहण के बारे में। इस साल शरद पूर्णिमा पर चंद्र ग्रहण का साया है। बता दें कि 9 साल पहले भी शरद पूर्णिमा के दिन चंद्र ग्रहण पड़ा था। ज्योतिषों के अनुसार 8 अक्टूबर 2014 को शरद पूर्णिमा के दिन चंद्र ग्रहण पड़ा था जो भारत में भी नजर आया था। अब इसका असर राशियों पर भी पड़ने वाला है। कुछ के लिए अच्छा साबित होगा तो वहीं कुछ के लिए सावधानी बरतनी होगी। पहले तो आपको बता दें कि चंद्र ग्रहण आज शरद पूर्णिमा के दिन लग रहा है। मन का कारक ग्रह चंद्रमा मेष राशि में राहु और बृहस्पति के साथ होंगे। इसके अलावा केतु के साथ सूर्य बुध मंगल रहेंगे, इसलिए इस ग्रहण से चंद्रमा और सूर्य से प्रभावित होने वाले जातकों को विशेष तौर पर सावधानी बरतनी होगी। चंद्रमा से प्रभावित लग्न मेष वृष कर्क कन्या तुला वृश्चिक मकर और मीन, इन पर ग्रहण का अच्छा प्रभाव नहीं होगा। इन राशि के लोगों को ग्रहण के उपाय करने चाहिए क्योंकि इनके लिए ग्रहण शुभ परिणाम नहीं लेकर आ रहा है। इस लग्न के साथ लोगों को विशेष तौर पर वाहन चलाते समय या कोई भी कार्य करते समय सावधानी पूर्वक काम करना चाहिए। वहीं कुछ राशि वालों के लिए यह ग्रहण भाग्य में जबरदस्त बदलाव लेकर आ रहा है। इन सब के बीच सूतक काल भी एक प्रभावी माना जाता है, जिसे लेकर कुछ जानकारियां हैं। चंद्र ग्रहण का सूतक काल 9 घंटे पहले ही लग जाता है, इसलिए इसका सूतक 28 अक्टूबर यानी आज शाम 4:05 पर शुरू हो जाएगा। यह चंद्र ग्रहण भारत में दिखने जा रहा है, तो आइए जानते हैं कि सूतक काल लगने से पहले कौन से वो खास काम होते हैं जिन्हें निपटा लेना चाहिए। सनातन धर्म में तुलसी का बहुत महत्व है और ग्रहण काल में जब भी तुलसी का प्रयोग करना सबसे शुभ माना जाता है। ज्योतिषियों की माने तो ग्रहण लगने से पहले खाने पीने की चीजों में तुलसी डाल देनी चाहिए। कहा जाता है कि चंद्र ग्रहण लगने से पहले सूतक काल में मंदिर के कपाट बंद कर दिए जाते हैं, इन्हें चंद्र ग्रहण समाप्त होने के बाद ही खोला जाता है। ऐसा माना जाता है कि इस अवधि में भगवान की मूर्तियों को स्पर्श करने से बचना चाहिए। चंद्र ग्रहण के दिन शरद पूर्णिमा का संयोग बन रहा है, इसलिए इस दिन घर के मुख्य द्वार पर दीपक जलाकर जरूर रखें। ऐसा करने से सौभाग्य की प्राप्ति हो सकती है। साथ ही इस दिन ग्रहण से पहले और ग्रहण के दौरान दीपदान भी किया जा सकता है। यह चंद्र ग्रहण भारत में दिखाई देगा। इस साल का दूसरा चंद्र ग्रहण यूरोप एशिया ऑस्ट्रेलिया अफ्रीका नॉर्थ अमेरिका उत्तर और पूर्व दक्षिण अमेरिका अटलांटिक महासागर हिंद महासागर अंटार्कटिका में भी दिखेगा।